चौरी चौरा पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में चौरी चौरा थाना प्रभारी मनोज कुमार पांडे ने बताया कि चौकी सोनबरसा के सामने मुख्य मार्ग पर मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर गौकसी के लिए ले जा रही ट्रक जो सोनबरसा हाईवे से होते हुए कुशीनगर होकर बिहार को जा रही थी को रोकने के लिए चौरी चौरा पुलिस टीम द्वारा प्रयास करते समय हुई मुठभेड़ में ट्रक ने पुलिस टीम के ऊपर ही ट्रक चढ़ाने की नीयत से लेकर भागते हुए दो अन्य सड़क पर खड़ी वाहन बस व स्कॉर्पियो में बैठे लोगों को जान से मारने की नीयत से जोरदार ठोकर मार दिया, जिससे स्कॉर्पियो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई तथा उसमें बैठे लोग बाल बाल बच गए। इसके बाद ट्रक चालक ने ट्रक को डिवाइडर पर चढ़ाकर भागने का प्रयास किया कि ट्रक डिवाइडर पर जाकर फंस गई, तभी ट्रक में बैठे ट्रक चालक और एक अन्य व्यक्ति दोनों उतरकर सड़क से खेतों में भागने लगे, जिन्हें पुलिस बल द्वारा दौड़ाया गया तो दोनों बदमाश अपने पास लिए तमंचों से हम पुलिस वालों को जान से मारने की नीयत से पुलिस पार्टी पर फायर किए। बदमाशों की फायरिंग से हम लोग बाल बाल बच गए कि फायर करते हुए भाग रहे दोनों बदमाशों की फायरिंग में हम पुलिस वालों ने भी आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग किया। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी और वह गिर गया, जिससे मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया, जिसकी पहचान इमरान पुत्र नूर मोहम्मद निवासी बसौली थाना सरपतहा जनपद जौनपुर के रूप में हुई है, जिसके पास से एक ट्रक, 27 गौवंश, एक तमंचा, दो खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया तथा दूसरा आरोपी मौके से भाग गया, जिसके ऊपर थाने में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में चौरी चौरा थाना प्रभारी मनोज कुमार पांडे, उपनिरीक्षक मदन मोहन मिश्रा, हेड कांस्टेबल कमलेश यादव, रविशंकर प्रसाद, कांस्टेबल प्रदीप कुमार, मिथिलेश यादव, राहुल यादव, विपिन यादव, दीपक पटेल, पीयूष यादव, संजय कुमार मौर्य शामिल रहे। नहीं करना चाहिए ना, पुलिस को गोली चलाओगे सारे काम करते हो।